रिक्शा चालक के साथ हुई 500 रुपए की लूट। आपको बताते चलें कि ई रिक्शा चालक को नशा देने के बाद पिटाई कर घायल अवस्था में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी पर डालकर चले गए। बदमाशों ने ई रिक्शा चालक का मोबाइल और 500 रुपए लूट कर फरार हुए। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। महेश, महेश क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं कल ई रिक्शा पर लेके गया था बुकिंग पे रामपाल के साथ, और रास्ते में रामपाल ने मुझे शराब पिलवा दी थी। उसके बाद 8 बजे के बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। रामपाल कहाँ चले गए और गाड़ी मेरी कहाँ चलेगी इसको कोई पता नहीं है। मारा किसने ये भी मुझे याद नहीं है। क्या क्या जाएगा तुम्हारा? मैं लाइन के पास पड़ा हुआ था। रेलवे लाइन पास? हाँ, रेलवे लाइन के पास पड़ा हुआ था। क्या क्या ले गए थे तुम साथ में? मेरे पास मोबाइल था और 500-600 रुपये थे और प्लस गाड़ी थी। गाड़ी भी नहीं है और मेरे पैसे भी नहीं है और मोबाइल भी नहीं है। गाड़ी कौन सी थी? वो ई रिक्शा बैटरी वाली। ई रिक्शा तुम्हारा किस किराए का? अपना था। अब उसका कोई अता अता पता नहीं है। पता नहीं है। कहाँ रहते हो? सुभाष नगर। किस जगह? अवधपुरी। किस पे शक है? रामपाल पे शक है क्या? रामपाल पे शक है मेरा, कोई मेरे साथ ही नहीं था। और रामपाल दोस्त है तुम्हारा? कौन है? दोस्त नहीं है, ऐसे ही जैसे मिलने वाला है, ऐसे ही जान पहचान। जब तुम मारा था तुझे पता लगा कैसे मारा, किसने मारा? ये मुझे याद नहीं है, वो सही नहीं था मेरे लिए। बेहोश हो गया था मैं लाइन के पास। जब मैं होश थोड़ा हुआ है तो मैं झाड़ियों में पड़ा हुआ था। लाइन के पास क्यों डाल दिया? अगर ट्रेन से हादसा दिखाने के चक्कर में क्या था? नहीं, मैं झाड़ियों में पड़ा हुआ था वहाँ पर। अच्छा, रेलवे लाइन के नाले। हाँ, यानी मारने की कोशिश की।